Assalamualaikum 6th class, hope so all of you will be fine and enjoying good health. 6th class हमारे सबक नंबर 6 सेहत और सफाई, उसकी सरगर्मी नंबर 8 जो है आज हमने वो करनी है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम अपनी जो उर्दू अलिफ की नोटबुक है उसके ऊपर तारीख 17 अप्रैल 2021, उसके बाद दिन हफ्ता, उसके बाद जमात का काम, सबक नंबर सेहत और सफाई यानी कि सबक का नाम, सरगर्मी नंबर 8, इंटरनेट की मदद से आलूदगी के असबाब के मौजू पर कोई फीचर पढ़ें और इसके अहम नकात लिखें. तो हम सबसे पहले, जब ये आप लोगों ने भी इंटरनेट से पढ़ना है ख़ुद अपने तौर पर, उसके बाद आलूदगी क्या है. आलूदगी से मुराद कुदरती माहौल में ऐसे अज़ा शामिल करना जिनकी वजह से माहौल में मनफी और नाखुशगवार तब्दीलियाँ वाक़िया होती हैं. आलूदगी की इकसाम, आलूदगी की इधर इकसाम दी गई हैं 6. उसके बाद असबाब दिए गए हैं कि कौन कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से आलूदगी पैदा होती है. केमिकल मादों का इस्तेमाल, कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव, और उसके बाद है लकड़ी के जलने से भी आलूदगी पैदा होती है. सल्फ़र डाइऑक्साइड और मुज़र गैसों के अखराज, कारखाने और फैक्ट्रियों में जैसे जैसे इजाफा होता है तो फिज़ा जो है उसमें धुएँ का इजाफा होता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़ाती गाड़ियाँ, पहले लोग जो थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, अब हर कोई, हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें कहीं भी सफ़र करना हो तो. उसके बाद खुर्दनी अशिया, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं अशिया, उनमें मिलावट होती है, जैसे नमक में आजकल पत्थर मिला हुआ होता है. नुकसानदेह मादों का पानी में अखराज, माहौल में सफाई सुथराई की गफलत, यानी कि हम अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में ही देख लें तो जगह जगह पर कूड़े क्रिकेट के ढेर पड़े होते हैं. ठीक है, कूड़ा क्रिकेट का बेजा ढेर. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये अपनी उर्दू अलिफ की नोटबुक पे करना है और इसको याद भी करना है. अल्लाह हाफिज़.